क्षेत्र के जिस पड़ाव में बच्चे सैतानियों से लेकर खुरापात में मशगूल रहते हैं, लेकिन झांसी जिले के बड़ोसागर में एक नन्ही बिटिया महक देवी, जिनकी उम्र मात्र 7 वर्ष है, वह भगवत कथा का ज्ञान करा रही हैं। बड़ोसागर के एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली महक देवी मात्र 7 वर्ष की होने के बावजूद भी मंच से लगातार श्रीमद् भगवत कथा के माध्यम से क्षेत्र में धर्म की धारा बहाने का प्रयास कर रही हैं। हमारे संवाददाता आनंद मोदी ने इस नन्ही बिटिया महक देवी से सीधी बात कर इनके मन की बात जानी और कथा ज्ञान कराने का उद्देश्य भी जाना। चलिए सुनते हैं क्या कहा नन्ही बिटिया महक देवी ने। ओके। एक समय वो होता है, एक उम्र वो होती है कि जब जिस उम्र में लोग अपने खेलने खाने के दिन होते हैं, शैतानी के दिन होते हैं और उलझनों के दिन होते हैं, उस छोटी सी एक नन्ही सी उम्र में बरुआ सागर नगर का एक बहुत बड़ा आध्यात्म का जो अध्याय लिखा जा रहा है, बरुआ सागर की एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक बिटिया महक देवी, मात्र 7 साल की जो महक देवी हैं, वो लगातार नगर, पूरे थाना, पूरे क्षेत्र में, बुंदेलखंड में एक आध्यात्म का, श्रीमद्भागवत कथा का प्रभाव कर रही हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटी सी बिटिया है, 7 साल की बिटिया है। बेटा क्या नाम है आपका? महक। क्या नाम है आपका? महक। आप किसकी पुत्री हैं? पिताजी का नाम क्या है आपके? सुरेश कुशवाहा दाऊ। आप जब आपकी उम्र 7 साल है, आप पिछले कई लगभग साल 2 साल से लगातार भागवत कथा कर रही हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? पापा से मिली और मंसल माता से मिली। तो पापा कब से आपके, मंसल माता की जो पुजारी हैं आपके पापा सुरेश दाऊ हैं, वो कब से यहाँ की सेवा कर रहे हैं? बहुत पहले से कर रहे हैं। पापा का क्या मन था, आपके पापा का क्या मन था कि हमारी बिटिया अध्यात्म करे, भागवत कथा करे? आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपके पापा को ये प्रेरणा, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप भागवत कथा करें? हमारे पापा बहुत सालों से माता की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं ने हमें प्रेरणा दी कि भागवत करने की प्रेरणा दी उन्हीं ने हमें, और माता की हमारे ऊपर असीम कृपा बनी रहे। लोगों को, जो लोग हैं, नगरवासी हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं धर्म के प्रति? सभी नगरवासी अच्छे काम करें और धर्म के मार्ग पर चलें, यही प्रेरणा है। साल की बिटिया महक देवी जब एक छोटी सी उम्र में एक नगर को, बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में एक महत नन्ही सी बिटिया आध्यात्म का सीधा सीधा प्रभाव कर रही है, और इससे नगरवासियों को, यहाँ के लोगों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस उम्र में लोग शैतानी उलझनों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये छोटी सी बिटिया आप हमारे सामने देख रहे हैं, एक छोटी सी बिटिया एक नगर के लिए एक गौरवपूर्ण काम है, और इसको हमारा कर्तव्य है कि इसको आगे बढ़ाएं, वो इनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलें। न्यूज बीके से बरुआ सागर के लिए आनंद मोदी की खास रिपोर्ट। इसके साथ ही कस्बा बरुआसागर में नवरात्रि के पावन पर्व पर सिद्धपीठ मंसल माता महोत्सव बरुआसागर में 11 कुंडलीय श्रीराम महायज्ञ व 21वीं श्रीमद् भगवा कथा एवं विशाल मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंसल माता मंदिर के बाद 26 सितंबर से दुर्गा महोत्सव पर विशाल कलश यात्रा के साथ यज्ञ प्रारंभ होगा। इसको लेकर कमेटी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में समिति सदस्यों ने बताया कि हर रोज महायज्ञ में आहूतियां दी जाएंगी, आचार्य हवन कराएंगे। 27 सितंबर को दोपहर 2 बजे से श्रीमद् भगवत कथा होगी। भगवत आचार्य राधा स्वरूप महक देवी उम्र 7 वर्ष कथा सुनाएंगी। 26 सितंबर को रात में झांकी मथुरा वृंदावन के कलाकार द्वारा सजा दी जाएगी। 27 सितंबर की शाम भजन संध्या सुरभि चतुर्वेदी जयपुर राजस्थान के द्वारा होगी। 28 सितंबर को लोकगीत बबलू रंगीला नेहा दिसोरिया द्वारा किया जाएगा। 29 सितंबर को फिर भजन संध्या पवन तिवारी जूनियर अनुप जलोटा का आयोजन किया जाएगा। 30 सितंबर को जवाबी कीर्तन राखी आजाद एंड पार्टी द्वारा होंगे। 1 अक्टूबर को गजल कार्यक्रम होगा। 2 अक्टूबर को श्याम जादूगर अपना जादू दिखाएंगे। 3 अक्टूबर को बच्चे नृत्य का जलवा बिखेरेंगे और डांस प्रतियोगिता भी होगी। 4 अक्टूबर को कवि सम्मेलन रखा गया है। साथ ही 5 अक्टूबर को विशाल भंडारा कराकर मां की विदा करा दी जाएगी। बरुआ सागर में 26 सितंबर से धर्म की प्रवाह, धर्म की गंगा बहने वाली है। बुंदेलखंड का सिद्ध क्षेत्र माने जाने वाला मंसल माता प्रांगण में 26 सितंबर से
11 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन एवं श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि इस जो बाहर से कारीगरों द्वारा ये यज्ञशाला बनाई गई है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। ये हमारे सामने अगर आप देखें तो ये पीछे मंच बनाया जा रहा है, विशाल मंच, पूरा वाटर प्रूफ मंच बनाया जा रहा है। कई एकड़ का ये स्थान है, आर्मी का स्थान है। मंसिल माता की असीम अनुकंपा, हर साल यहाँ पर मंसिल माता की दल है सुरेश दाऊ के द्वारा, एक नगर वासियों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से यहाँ एक बड़ा आयोजन किया जाता है। नगर में धर्म का प्रवाह सीधा सीधा होगा। प्रतिदिन रात को 8 बजे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 5 अक्टूबर को एक विशाल भंडारा भी बरुआ सागर में इसी प्रांगण में होने जा रहा है। जो भंडारा है, जो है पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक अद्भुत भंडारा माना जाता है। लगभग 80,000 से 1,00,000 लोग यहाँ पे उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अभी क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से अनुरोध है कि इस धर्म प्रवाह में, धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें, अपना सहयोग करें। न्यूज बीके से बरुआ सागर के लिए आनंद मोदी की खास रिपोर्ट। शहर के प्रदूषण से मुक्त, हरे भरे शांतिपूर्ण वातावरण में बनाएं अपना आशियाना। स्पेस मून सिटी झांसी का सबसे आधुनिक 24 एकड़ में विस्तृत वर्ल्ड क्लास टाउनशिप, 3 टायर सिक्योरिटी, 24 घंटे पावर बैकअप, बेसमेंट कार पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क एंड प्ले एरिया, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट के साथ लग्जरी प्रीमियम विलास, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए क्लब, पूल टेबल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, हाई क्लास जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल। बुंदेलखंड की पहली ऐसी टाउनशिप जहां आपको मिलेगी रिसोर्ट वाली फीलिंग। आलीशान लिविंग स्टाइल के लिए चुने स्पेस मून सिटी, भगवंतपुरा रोड, झांसी। स्पेस मून सिटी।